हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो BSNL में अंडरग्राउंड जो भी केबल्स पड़ी हुई होती हैं, यहाँ पे मैं कॉपर पेयर या ट्विस्टेड पेयर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो भी कलर्स होते हैं कि कौन से कलर का क्या नंबर होगा, क्योंकि हर आप सबको पता है कि जिस तरीके से आप सबके घर में जो भी फ़ोन आता है उसमें पर्टिकुलर एक जो केबल आती है वो आती है, तो क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो उन चीज़ों का स्टार्ट किस केबल से होता है, तो उनकी क्या नंबरिंग रहती है, तो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो देखिए, जनरली आपके सामने जो मैंने केबल बनाने की कोशिश करी है, ये 5 पेयर की केबल है, ठीक है। तो इसमें देखिए, कलर कोडिंग कुछ ऐसे होती है कि सबसे पहले जैसे वाइट होता है, फिर रेड, ब्लैक, येलो, वायलेट। तो सबसे पहले देखिए, हम जैसे वाइट है तो वाइट को कॉमन कर लेंगे, फिर उसके साथ इसके पेयर बनाएंगे, पहला ब्लू, दूसरा ऑरेंज, फिर ग्रीन, तीसरा ब्राउन, चौथा स्लेट, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए, पहला केबल है तो देखिए, इसमें वाइट मैंने सब में जो है वो कॉमन ले लिया है, ठीक है। उसके बाद जो पहला पेयर है उसमें वाइट प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन होगा, दूसरे में वाइट प्लस ऑरेंज, तीसरे में वाइट प्लस ग्रीन, चौथे में वाइट प्लस ब्राउन, पाँचवे में वाइट प्लस स्लेट, ठीक है। तो ये 5 पेयर की केबल हो गई, ठीक है। इसमें हमको पता होता है कि जैसे कि नंबरिंग दे दी गई इसमें कि कौन से पेयर पे क्या नंबर चलेगा, तो इस केबल से पता चल जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, पहले तो हमने वाइट कलर कॉमन ले लिया तो इससे 5 बना लिए, फिर दूसरे में रेड लेके ये सारे कर लेंगे, तीसरे में ब्लैक, चौथे में येलो, पाँचवें में वायलेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 25 पेयर की केबल बन जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं, पेयर केबल जो होती है वो 100 पेयर की भी होती है, 200 पेयर, 1000 पेयर, 2000 पेयर की केबल्स भी होती हैं। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी पेयर की केबल में कौन सा नंबर चलेगा या क्या उनकी नंबरिंग होगी, तो इसके लिए देखिए, जैसे आप समझो कि सिंपल जैसे 100 पेयर की केबल है, ठीक है, तो यानी 25 × 4, ठीक है, यानी 25-25 के 4 स्लॉट से बनाए होंगे। तो जो भी 4 स्लॉट होंगे तो इसमें देखिए डिफरेंट जो कलर के रिबन होते हैं वो इसमें होते हैं, उससे पता चल जाता है कि शुरू के 25 पेयर कौन से हैं, बाद के दूसरे 25 कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है केबल में नंबरिंग होती है, ठीक है। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये पता चला होगा। अभी अगर मान लीजिए कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें कि जैसे हमको कहीं पर 2000 नंबर चलाने हैं, तो एक्सचेंज से जो भी ये मान लीजिए एक्सचेंज से जो भी केबल निकलेगी 2000 पेयर की, तो उसमें क्या क्या नंबरिंग होती हैं, क्या क्या नंबर दे सकते हैं, तो हर किसी का पर्टिकुलर एक पेयर अलॉट होता है, वो हम नोट करके रखते हैं कि इस नंबर पर ये नंबर चलेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, और एक्सचेंजेस वगैरह जो होते हैं वहाँ पे इस तरीके का बॉक्स होता है, उसको सिटी बॉक्स कहते हैं। तो देखिए, शुरू के 10 यहाँ पे जुड़े होंगे, 20, 30, 40 इस तरीके के करके 100 होते हैं एक बॉक्स में। तो हर तो जैसे इसमें जो पहला पंच होगा वाइट प्लस ब्लू होगा, ठीक है, तो एक नंबर हुआ, दो नंबर, तो इस तरीके से 100 तक का होता है ये, ठीक है। तो इससे फिर निकल के जो पिलर होता है वहाँ पर चीज़ें जाती हैं, वहाँ पर भी कलर कोडिंग वगैरह होती है, फिर वो DP पे जाती है, ठीक है। तो होप्सो कि आपको ये वीडियो में पता चला होगा कि जो कलर की कोडिंग होती है वो कैसे होती है। बाकी मैं एक फ़ोटो के थ्रू भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये जैसे पेयर है, देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 ये 100 पेयर की केबल है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो शुरू के 25 होंगे, देखिए वाइट और ब्लू है, सेम कलर कोड है। उसके बाद देखिए, वाइट के साथ ऑरेंज, ये यानी 26 से 50 होगा, फिर ये होगा 75 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में ये दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर बाद में ये होगा सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एक तरीके से ये नॉलेज को शेयर करेंगे तो बढ़ेगी, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।